आज हम इस तरीके से स्लीपर्स बनाना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने इसके इलास्टिक लगाया ताकि इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। इस तरीके से इसका यहाँ पे बेस बना है, फ्रंट साइड बैक साइड इस तरीके से, और इसकी फिटिंग भी परफेक्ट फिटिंग आती है। जिस भी पैर का आपने बनाना है, देखिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसके इलास्टिक है तो ये डालने में भी इजी होता है और इसकी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे डाल लिया इलास्टिक, यहाँ पे इसके इलास्टिक है तो इसकी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। ये देखिए इलास्टिक की वजह से परफेक्ट फिटिंग आती है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए साइड से, इस तरीके से बॉटम। और इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा इजी है इस पैर का, और इसके साथ ये दूसरे का है सेम इसी तरीके से इलास्टिक के साथ इस तरीके से। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। हम बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से आपके पास कोई भी पुराना टॉवल हो, ये मेरे पास पुराने टॉवल का पीस पड़ा हुआ है तो इससे मैं बनाऊंगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। जिस भी नाप का आपने बनाना है, इस तरीके से फुट का नाप पहले उसे ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मेरा फुट का ड्रॉ हो गया। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। बेस कट कर लिया, सबसे पहले आपको बेस कट करना है। अब इसमें इसे कपड़े पे रख के इसके टू पीसेस कट कर लीजिए। कॉटन का कपड़ा पड़ा है वो मैं यूज कर रही हूँ, आपके पास कोई भी कॉटन का किसी भी तरह का कपड़ा पड़ा हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने फुट इसके ऊपर रखा, इसे इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर लिया और इसकी कटिंग कर लेंगे, इसके टू पीसेस कट कर लीजिए। तो एक पीस मैंने इस तरीके से टॉवल में से कट किया, दो पीस मैंने इसमें से कट कर लिया। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, इसे इसके बीच में रखना है यहाँ पे इस तरीके से, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, ये रखा और इस पर सिलाइयाँ लगा लीजिए। पहले ऐसे और फिर ऐसे इस पर सिलाई लगा के इसे रेडी कर ली, सिलाइयाँ लगा ली ऐसे और ऐसे। तो इस तरीके से मेरा बेस बिल्कुल रेडी हो गया है, बेस रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर के लिए बनाते हैं। का बनाने के लिए इस तरीके से मैं पुराना पजामा यूज कर रही हूँ। आपके पास कोई पुराना पजामा, कोई पुरानी टी शर्ट हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब हमें बनाना कैसे है ऊपर के लिए इसका पोर्शन, सबसे पहले तो हमें नाप लेना है कि हमें बनाना कितना है। तो हमें इसमें से एक रेक्टेंगल पीस कट करना है। उसका नाप कैसे लेना है आपको, देखिए लंबाई तो इतनी लेनी है जितनी हमारी ये फुट की लंबाई है। तो ये मेरी फुट की लंबाई आ रही है अप्रोक्सीमेट 10 इंच, मेरी फुट की लंबाई आ रही है यहाँ पे 10 इंच के करीब इसकी लंबाई है। और हमें चौड़ाई कैसी लेनी है, चौड़ाई जो भी आपका फुट है इस तरीके से आपको थोड़ा सा लूज में उसे नापना है, टाइट नहीं लेना है। इस तरीके से यहाँ से हमारा लूज में आएगा तो यहाँ से लूज में आपको नापना है। तो ये मेरा आ रहा है 8 इंच, इस तरीके से लूज में लेते हुए, थोड़ा ज़्यादा लूज लिया है मैंने तो ये मेरा आ रहा है 8 इंच। तो 8 इंच मुझे 8 बाय 10 इंच का मुझे एक 2 स्क्वायर पीस कट करने हैं इसमें से। तो आपको नाप ऐसे लेना है, तो हम इसमें से कट कर लेते हैं 8 बाय 10 इंच के 2 स्क्वायर पीस, 2 रेक्टेंगल पीसेस। ये देखिए 2 पीसेस मैंने कट कर लिए, लंबाई 10 इंच इसके बराबर, जो हमारा फुट है उसके बराबर मैंने इसकी लंबाई ली है। और इसकी चौड़ाई मैंने भी आपके सामने नापी कैसे लेनी है, तो ये मैंने 8 इंच लिया। अगर आपका पैर थोड़ा ज़्यादा हैवी है तो आप 9 इंच ले सकते हैं। इस तरीके से ले लिया। अब हम इसे शेप देंगे, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है, एक तरफ से इसे राउंड शेप दे देंगे हम, यहाँ से इसे इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लीजिए। ये मैंने राउंड शेप में कट कर लिया। अब यहाँ हम इसे यहाँ से शेप दे देते हैं, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 6 इंच, 6 इंच पे मैंने निशान लगाया, और यहाँ से आपको डाउन जाना है 1.5 इंच। अगर आप ज़्यादा ओपनिंग रखना चाहते हैं तो ये चीज़ बड़ी रख सकते हैं, 1.5 इंच। इसे स्ट्रेट इससे मिला दीजिए,
यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 6 इंच, इसे कट कर लीजिए। ये मैंने इसे कट कर लिया, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा ऊपर के लिए हो गया। तो अब हम इसे स्टिच करते हैं। अब आपको करना क्या है, ये रखा, इसके ऊपर ये रखना है इस तरीके से। इसे मिलाते हुए ये जो मैंने कट किया है, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा ली। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहां से लेके यहां तक। अब इसे टर्न कर लीजिए। ये मैंने टर्न कर लिया, यहां से यहां तक 1/4 इंच की आपको यहां से लेके यहां तक पूरी सिलाई लगानी है। तो यहां से सिलाई लगाते हुए कॉर्नर पे नहीं लगानी है, यहां से 1/4 इंच छोड़ के यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई। ये देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली, यहां से 1/4 इंच के डिस्टेंस पे पूरे पे मैंने इस पे यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा ली। ये देखिए मैंने दूसरे कलर से लगाई है ताकि आपको विजिबल हो, ये देखिए पूरा राउंड में। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इलास्टिक लेनी है। ये मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 8.5 इंच की इलास्टिक ली है, सेफ्टी पिन। अब इसके बीच में हम इलास्टिक डाल देंगे। ये जो हमने स्पेस छोड़ा है इसके बीच में इलास्टिक को डाल दीजिए। अब यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए इलास्टिक वाली तरफ, और यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ दोनों इलास्टिक पे पहले सिलाई लगा लीजिए। ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारी इलास्टिक डल गई, इलास्टिक के साथ फिनिश हो गया। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे इसे इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कीजिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलाई से फिनिश कर। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब हम इसे इस पे ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ऐसे था, इसे ऐसे कर देना है इस तरफ को। ये देखिए यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से रखिए, ये उल्टी तरफ से इसके ऊपर रखिए। यहाँ पर सिलाई लगाते हुए वापस आपको यहीं पे आना है, तो इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए इस पे सिलाई लगाते हुए, पूरे पे सिलाई लगाते हुए पूरे पे मैंने सिलाई लगा ली। बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से। मैंने इसे सीधा कर लिया, अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरी सॉक्स बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गई है एक पैर की। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे पैर की भी बनाई है। तो ये दोनों मेरी सॉक्स बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक है तो परफेक्ट इसकी फिटिंग आएगी इस तरीके से। देखिए प्रॉपर इसका बेस, तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गई है।